जेली वैली ना हमें हेलो अभी तो फारे बंद करो ना बढ़िया पार्क अच्छा है पास के पास है हैं वीडियो शेयर करो बरस जा तो सामन बरस जा गाइस अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा तो हो रहा है लेकिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो चलो चलते हैं और पार्क हमारे घर से काफ़ी दूर है इसीलिए मुझे बाइक पे जाना पड़ेगा चलो बारिश आ रही है करते हैं काम स्लो थोड़ा सा बैठ के उठ के काम स्टार्ट करना है साफ सफाई का हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से घी कोफ्ते बनाएंगे तो मैंने इनको कद्दूकस कर लिया है घी को और मैं अब इस घी को निचोड़ लूँगी जो इसमें पानी होगा ना वो निकल जाएगा इस तरह करने से और मैंने तेल चढ़ा दिया है तब तक ये मैं टमाटर काट लेती हूँ जब तक मेरा तेल होता है मैं टमाटर बारीक बारीक टमाटर काट लूँगी अब मेरा तेल हो चुका है तो मैं इस कढ़ाई में से जो एक्स्ट्रा तेल था जो ज़्यादा था वो मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसके अंदर तेल निकाल चुकी हूँ तो मैं इसके अंदर मसाले डाल दूंगी और कोफ्ते हम लोग ये निकाल दिया जीरा निकाल दूंगा प्याज तो मेरी प्याज भुन चुकी है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कटे हुए टमाटर तो मैं डाल देती हूँ उसके अंदर मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक लाल मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर तो ये मेरा हो चुका है मसाले को मैं अच्छे से भून लेती हूँ तो गाइस ये मसाला मेरा भून चुका है और इसने तेल में मतलब तेल छोड़ दिया है तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी तो पानी मैं उतना डालूंगी जितनी मुझे जरूरत होगी तो मैं थोड़ी सब्जी इस तरह बनाऊंगी तो जब तक इस पानी के अंदर अच्छे से उबाल आता है तब तक मैं इसको ढक के रखती हूँ उसके बाद में कोफ्ते डाल दूंगी तो इसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं पानी में खदा लगने के बाद अब इसको पानी साफ करके छोड़ दूंगी मैं इसके अंदर डाल दूंगी गर्म मसाला हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं देखो इस तरह के ये खाने में बहुत टेस्टी लगे चाय आ चुकी है ये मेरी बेटी ने बनाई है चाय पी रहे हैं और ये गेम